पुर में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। केतवई नगर थाना क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को काट लिया। वहीं आगरा के ताजमहल में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हाथों में लोगों ने डंडा लेकर रखा है क्योंकि कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया है कि हर पल खतरा बना रहता है। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के जूही सफेद कॉलोनी में आवारा कुत्ते दहशत का सबब बने हुए हैं। लोगों को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जूही सफेद कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा खौफ मचाया है कि पिछले 24 घंटे में 24 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। जूही सफेद कॉलोनी में रहते हैं मैदान पे। हम शाम को 4-5 के बजे खेलने निकले थे तो कुत्ते ने हमें शाम को काट लिया। तो क्या और भी बच्चों को काटा है? जी 20-22 बच्चों को काट चुका है वो। पशु चिकित्सा विभाग ने कुत्ते को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं, तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त कानपुर में 2 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। शिकार बना लिया है, कई लोगों को अस्पताल तक भेजा गया है। इन सब के बीच जहां एक और पशु चिकित्सा अधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, तो वहीं 3 थाने की टीम भी उस पागल कुत्ते को ढूंढने में लगी है। देखना ये होगा कि पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग उस पागल कुत्ते को कैसे पकड़ता है ताकि लोगों को इस दहशत से निजात मिल सके। वहीं आगरा के ताजमहल में बंदरों ने आतंक मचाया है। प्रशासन ने बंदरों को भगाने के लिए लाखों रुपए झोंक दिए, लेकिन बंदरों का कहर जारी है। देखिए ये बंदर जो आइसक्रीम खाता दिखाई दे रहा है, उसने ताजमहल आए एक पर्यटक से उसकी आइसक्रीम छीन ली। इतना ही नहीं, बंदर सैलानियों पर हमला भी कर देते हैं, जिससे ताजमहल में आने जाने वाले सैलानियों को भारी परेशानी हो रही है। कानपुर से अमित गंजू के साथ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका की आर्मी को एक तगड़ा झटका लगा है। अभ्यास के दौरान यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। ऑस्ट्रेलिया से आई इस बेहद ही दर्दनाक खबर ने सुपर पावर अमेरिका को हिला डाला, जहां युद्ध अभ्यास के दौरान अमेरिकी मिलिट्री का V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह घटना डॉर्विन के उत्तरी दिशा में तिवी द्वीप समूह पर हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में करीब 20 नौसैनिक सवार थे। यह हादसा एक्सरसाइज प्रीडेटर्स रन 2023 के दौरान हुआ। हादसा स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:43 पर हुआ। इसमें कई सैनिक घायल हैं तो कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। डॉर्विन एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केयर फ्लाइट जेट का इस्तेमाल किया गया। कई सैनिकों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर प्रीडेटर्स रन अभ्यास में भाग ले रहा था। इससे करीब 1 महीने पहले भी एक ऑस्ट्रेलियाई ताइपन हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान क्वींसलैंड तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें 150 अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस फोर्स के मुताबिक क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सभी सैनिक अमेरिकी थे। हादसे की वजह से युद्धाभ्यास को रोक दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के 2,500 से ज्यादा सैनिक तिवी द्वीप समूह पर इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम साल 1989 में शुरू हुआ था। अब इसके क्रैश होने के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट